नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज भी हम आपके लिए लेके आए नई नई खबरें ऑटो एंड टेक जगत से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर से। आज की पहली खबर की बात करें तो वो आ रही है महिंद्रा से। बताया जा रहा है महिंद्रा भी अब इलेक्ट्रिक कारों का जो बड़ा बाजार है उसको देखते हुए महिंद्रा भी अब इलेक्ट्रिक कारों की रेस में उतरने जा रही है टाटा टक्कर देने के लिए। बताया जा रहा है कि साल के अंत में वो अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने जा रही है, जो कि KUV100 को ही इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करके उतारने की तैयारी में है। ये E20 के नाम से बाजार में उतरेगी, बोर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बेस होगी। इसी तरह अगले साल XUV300 और XUV700 को भी बाजार में उतारने की तैयारी में है। इसकी एक्सोरूम कीमत 10 लाख रुपए रखी जाएगी। देखते हैं कब आती है, जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल क्या है कैसे है ये कार। अगली खबर की बात कर रहे हैं तो वो आ रही है महिंद्रा से, जिसने अपनी नई बाइक MT15 की बुकिंग को खोल दिया है। बताया जा रहा है कि आप इसकी बुकिंग 5 से 10 हज़ार रुपये देकर किसी भी डीलर से बुक करा सकते हैं। इसकी डिलीवरी आपको अप्रैल के सेकंड वीक से मिलना चालू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ये आपको 4 नए कलर में वाइट, ग्रे, ब्लू, ब्लैक में मिलेगी और टैक अपडेट के साथ थोड़ा आएगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED DRL और थोड़े और टैक अपडेट आपको मिलेंगे। इस बार इसमें आपको 282 mm का फ्रंट और 220 mm का रियर डिस्क देखने को मिलेगा। इस बार डुअल चैनल ABS और 17 इंच का व्हील आपको देखने को मिलेगा। 1000 RPM पे आपको 18 BHP की पावर और 7000 RPM पे आपको 14 mm की टॉर्क आपको मिलेगी। 125 cc के सिंगल सिलेंडर में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ VVS टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। बस देखना यह है कि ये ग्राहकों की जेब कितनी खाली करवाती है। फीचर तो बहुत अच्छे देते हैं लेकिन जो पैसे भी आपको उतने ही अच्छे देने पड़ेंगे। देखते हैं क्या कीमत रखती है इसकी, जैसे इसकी कीमत आपको पता चलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है जीप से। बताया जा रहा है कि जीप अपनी मेरिडियन 7 सीट कार को आज अनवील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मई में लॉन्च होगी। इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, इसमें 170 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि बाजार में पहले से मौजूद अल्कजार 700 सफारी को टक्कर देने के लिए जीप उतार रही है। देखते हैं इसकी प्राइस क्या होती है, क्योंकि लग्जरी गाड़ी है, प्राइस तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। देखते हैं क्या कुछ खास होता है इस गाड़ी में, जैसे ही हमको आगे कुछ खबर मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, वारियर व्हाट्सएप से। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ने भारत में सिर्फ फरवरी में 14 लाख अकाउंट को बैन कर दिया गया। जी हाँ, 1 फरवरी से लेकर 1 फरवरी तक व्हाट्सएप के पास 335 शिकायतें मिली थी, जिसमें 194 में उन्हें बैन करने के लिए अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 21 अकाउंट को बैन किए थे जो कि भारत के +91 नंबर से थे। 14,26,000 अकाउंट बैन किए गए हैं, वो भी इंडिया से ही हैं, लेकिन वो भारत के नंबर से रजिस्टर्ड नहीं थे, धोखाधड़ी करने के आधार से उतरे हैं, उन्हीं के नाम रजिस्टर्ड थे। तो आप भी देख लीजिएगा, आप भी इनके रूल्स और गाइडलाइन को थोड़ा फॉलो कीजिएगा, मनमर्जी मत चलिएगा वरना आपका अकाउंंट भी हैक हो सकता है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, वो आ रही है BMW से। बताया जा रहा है कि BMW ने i3 सेडान e-ड्राइव 35L को चीन में लॉन्च कर दिया, जो कि 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार को पकड़ने के सक्षम है। ताकि ये डुअल चार्जिंग सपोर्ट के साथ AC/DC आपको देखने को मिलेगा। इसमें 210 किलोमीटर की मोटर, 70 kWh की बैटरी और इसमें एक सिंगल चार्ज पे आपको 526 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। डीजल सपोर्ट के साथ इसमें 90 kW की तक की आपकी स्पीड से चार्ज कर सकेंगे और 80% की तक की चार्जिंग आपको 35 में देखने को मिल जाएगी। प्राइस की बात करें वो अभी अनवील नहीं की गई है, जैसे ही हमको पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। और BMW है तो प्राइस बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसमें आपकी जेबें फट जाएंगी पूरी। देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगली बात करें, वारियर इको से, जिसने भारत में लॉन्च कर दिया 200 किलोवाट मोटर E9 इलेक्ट्रिक बस, जो कि पुणे में देखी गई है, जो अनवील की गई थी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी गई, लेकिन जब भी आप हमको मिले इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। तब तक आप वेट करिए, हम भी देखते हैं और हमको क्या खबर मिल पाती है। अगली खबर जो आ रही है वो थोड़ी सी धमाकेदार है, क्योंकि उसमें धमाका ही हुआ है। OnePlus Nord 2 का फोन फिर से ब्लास्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि एक यूजर है लक्ष्य वर्मा नाम के, बताया जा रहा है कि जब वो बात कर रहे थे किसी से तब उसी टाइम उनका फ़ोन ब्लास्ट हुआ, जिनसे उनका हाथ थोड़ा सा जल भी गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कंपनी से बात करी थी तो कंपनी ने कहा वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, जिसके बाद उन्होंने ये कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत की। अब देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं, अगर ऐसे ही ब्लास्ट होते रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा ग्राहकों के साथ, और कंपनी ऐसे ही अपना मतलब मुंह मोड़ लेगी ग्राहकों से तो हम लोग इनके पास क्यों जाएंगे इनके फ़ोन लेने। तो देखते हैं और शिकायत पे क्या निर्णय निकलता है, जैसा भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपका अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।